हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मेसी वीडियो आसिफ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि RL, D5, NS और DNS, तो इन सभी फ्लूड्स में हम कौन कौन से इंजेक्शन डाल सकते हैं, तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो IV फ्लूड्स में जो इंजेक्शन डाल सकते हैं, तो उनमें MVI एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है। इसका उपयोग शरीर में होने वाली कमजोरी को दूर करना होता है और इसको हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं। और दूसरा है एल्डरबीट का भी जो कार्य होता है वो शरीर की कमजोरी वगैरह को दूर करना होता है और इसको भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं। और तीसरा है फेनिटोइन इंजेक्शन का जो उपयोग होता है वो दौरे वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दौरे आते हों तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है और इसको भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं। और ट्रामाडोल इंजेक्शन का जो उपयोग होता है वो सीवियर पेन में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब दर्द वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है और इस इंजेक्शन को भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड को भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं। और हाइड्रोकोर्टिसोन को भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं और इसका जो यूज़ होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, लगभग सभी एलर्जी में इसका उपयोग किया जाता है और इसको भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं। और फ्रोसेमाइड का जो उपयोग होता है हाइपरटेंसिव में इसका उपयोग किया जाता है और एडिमा में इसका उपयोग किया जाता है और इस इंजेक्शन को भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं। और डेरिफायरिन को भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं और इसका जो यूज़ होता है वो अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है और COPD में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब सांस से संबंधित बीमारी में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और बुट्रोपास, तो इस इंजेक्शन का जो यूज़ होता है वो ब्लीडिंग को रोकने का ये इंजेक्शन काम करता है और इसको भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं। और मोनोसेफ इंजेक्शन का जो यूज़ होता है वो बैक्टीरियल से होने वाली सभी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है और इस इंजेक्शन को भी हम IV फ्लूड में डालकर लगा सकते हैं। एटम साइलेट, इस इंजेक्शन का जो काम होता है वो ब्लीडिंग को रोकने का ये इंजेक्शन काम करता है और इसको भी हम IV फ्लूड में लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है पेप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टम, तो इस इंजेक्शन का जो यूज़ होता है वो बैक्टीरियल से होने वाली सभी बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और इस इंजेक्शन को भी हम IV फ्लूड में लगा सकते हैं। एमिकासिन इंजेक्शन को भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं और इसका जो यूज़ होता है वो बैक्टीरियल से होने वाली सभी बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और इस इंजेक्शन को भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं। डेक्सोना इंजेक्शन को भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं और इसका जो काम होता है इन्फ्लामेटरी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, ऑटो इम्यून कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट है एसिलोक इंजेक्शन को भी हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं और इसका जो यूज़ होता है वो गैस संबंधित शिकायत में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेन इंजेक्शन जो हम IV फ्लूड में डाल सकते हैं, चाहे वो RL हो, D5 हो, NS हो या फिर DNS हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।